चौथी तिमाही में 6.2% की रफ्तार से बढ़ सकती है जीडीपी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान। मूडीज रेटिंग्स ने आज जारी रिपोर्ट में पेश किया आशावादी नजरिया। अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन का रईसी के निधन पर आया बयान, बोले देखते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच में क्या आता है सामने। ईरान ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीख का किया ऐलान, 30 मई से 3 जून तक होगा नामांकन, 28 जून को होगा चुनाव। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर आज भारत में राष्ट्रीय शोक, देश भर की सभी सरकारी इमारतों पर आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। पूर्व पीएम राजीव गांधी को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने किया याद। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी हुए इमोशनल, बोले पापा आपके सपने मेरे सपने, इन्हें करूंगा पूरा। यूपी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सूरज उगल रहा आज, 47 के पार हुआ पारा, दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों के स्कूल बंद। मौसम विभाग ने लोगों को तेज गर्मी से सतर्क रहने की दी नसीहत, दिल्ली में 7572 मेगावाट पहुंची बिजली की अधिकतम मांग। 47 डिग्री के साथ दिल्ली का नजफगढ़ सबसे गर्म स्थान, राजस्थान के गंगानगर में 46 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। तमिलनाडु में मानसून से पहले भारी बारिश बनी मुसीबत, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर भी जलजमाव। केरल में बारिश से पहले लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी, सरकार ने कई टूरिस्ट स्पॉटों को बंद करने का लिया फैसला। पीएम मोदी वाराणसी में आज 25,000 महिलाओं से करेंगे संवाद, सबसे बड़े सम्मेलन के पंडाल में दिखेगी मिनी भारत की झलक। 6 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे भाजपा के दिग्गज नेता, उड़ीसा में अमित शाह, नड्डा और राजनाथ करेंगे जनसभा और रोड शो। स्वाति मालीवाल ने आप पर लगाए गंभीर आरोप, बोली मैंने सच कहा तो बता दिया गया भाजपा का एजेंट। मालीवाल केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी, एडिशनल डीसीपी अजिंथा चितियाला की टीम जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। जारी हुए महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के नतीजे, संबंधित वेबसाइट पर परीक्षार्थी जान सकते हैं परिणाम। 5वें चरण में 2019 के मुकाबले कम हुआ मतदान, लगभग 61% लोगों ने ही बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। यूपी के ललितपुर के गांव के मतदाताओं ने पेश की नजीर, महरौनी के बूथ संख्या 277 पर 100% हुआ मतदान। कॉकटेल दवाओं पर जल्द प्रतिबंध लगाएगी केंद्र सरकार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्यों से मांगा ब्यौरा। आगरा में जूता कारोबारी के यहाँ से 3 दिन में मिले 56 करोड़, घर में थी पुरानी तिजोरियाँ, 500 की इतनी गड्डियाँ देख अवसर रह गया हैरान। भारतीय मसालों पर प्रतिबंध के दावे खारिज, केंद्र ने कहा हांगकांग व सिंगापुर में कोई रोक नहीं। सेबी ने डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड पर की कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। भारतीय कंपनियां विदेश में और तेज करेंगी खनिजों की खोज, पहले से ही चिली ऑस्ट्रेलिया में ONGC कर रही काम। संतुष्ट न होने पर 10 में से 9 ठुकरा देते हैं नौकरी, रिपोर्ट में युवाओं को आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद। वैश्विक कीमतें घटने से 34% बढ़ा पाम तेल आयात, भारत सरकार ने 13 टन से ज्यादा खाद्य तेल को दी मंजूरी। संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ वाले बयान पर मांगी माफी, बोले जगन्नाथ जी को मोदी का भक्त बताने पर करूंगा प्रायश्चित। बिहार के सारण में चुनाव बाद 2 पक्षों में गोलीबारी में 1 की मौत, 2 घायल, कल रोहिणी आचार के पहुंचने पर हुई थी गड़प। 2 लोगों की जान लेने वाले पुणे केस में नाबालिग का पिता अरेस्ट, पोस्ट कार चला रहे लड़के पर भी बालिग की तरह चलेगा केस। बाजार में बिक रहा चमकदार फल हो सकता है खतरनाक, सेब पर चढ़ी होती है मोम की परत, डॉक्टरों ने गिनाए नुकसान। ब्रिक्स में शामिल होने की श्रीलंका ने जताई इच्छा, विदेश मंत्री अली साबरी ने भारत से मांगा समर्थन। अनुराग ठाकुर बोले जनता बना चुकी है 400 पार का मन, चारों खाने सीट होगी कांग्रेस, भ्रम फैलाने में लगा विपक्ष। 3 माह बाद खुला हैती का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हिंसा के चलते सरकार ने बंद करने का लिया था फैसला। भारतीय मुसलमानों का जिक्र करने वाली रिपोर्ट पर बोला अमेरिका का, हम धार्मिक आजादी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। थोटाकुरा को भारतवंशी होने पर गर्व, बोले गाड़ी चलाने से पहले उड़ान भरना सीखा। सिब्बल बोले अनुच्छेद 370 हटाने की नहीं थी जरूरत, कश्मीर में पहले से लागू थे 99% भारतीय कानून। देश में टेलीग्राम व्हाट्सएप के जरिए चल रहा ठगों का कारोबार, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ने लोगों को किया सावधान। बिना लोन लिए ही IDFC बैंक ने काट ली EMI, मुंबई के उपभोक्ता आयोग ने 1 लाख का लगाया जुर्माना। 5 सालों में भारतीय खेतों से 53 लाख फलदार पेड़ गायब, रिपोर्ट में इंसानी लालसा की भेंट चढ़ रहे छायादार वृक्ष। सी ममता पर अभद्र बयान मामले में भाजपा प्रत्याशी की सफाई, पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय से चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब। गोड्डा की राजमहल परियोजना में घूस लेते 3 अफसर गिरफ्तार, शिकायतकर्ता से मांगी थी 6 लाख रुपए की रिश्वत।
छह साल में 5 लाख लोगों के खून में पहुंचा जानलेवा बैक्टीरिया। ICMR की रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। हुगली के अंजलि हत्याकांड की जांच करेगी CID। कर्नाटक के गृहमंत्री ने परिवार को दिया न्याय का भरोसा। कुमार स्वामी ने की प्रज्वल से भारत वापस आने की अपील, बोले राज्य सरकार परिजनों सहित 40 लोगों के टैप कर रही फोन। CDS अनिल चौहान ने बढ़ाया जवानों का हौसला, अग्निवीरों को बताया देश का नायक, प्रौद्योगिकी पर भी जोर। श्रीलंका में मां सीता के मंदिर का किया गया अभिषेक, भारत की सरयू नदी से लाया गया जल, नेपाल से लाए गए परिधान। ग्रेटर नोएडा में बिजली बिल होने से मचा हाहाकार, पंचशील हाइनी सोसाइटी के लोगों ने किया रोड जाम। स्कूटी सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो सहित व्यक्ति का किया अपहरण, नोएडा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सकुशल किया बरामद। गाड़ी के अंदर राजीव मित्तल नामक व्यक्ति के बंधे मिले हाथ पैर, बल्लभगढ़ हरियाणा से रात्रि 1:30 बजे हुआ था अपहरण। IPL में आज मिल जाएगा पहला क्वालिफायर, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद में होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।